Audio Jungle. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी हिंसा पीड़ित से मिले, साथ ही वे भागरथी बिहार मेन रोड स्थित संत निरंकारी मिशन पहुंचे। उनके साथ नवीन चादरा जिलाध्यक्ष कैलाश जैन, बाबरपुर विधानसभा सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। उन्होंने मिशन द्वारा हिंसा पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे भोजन लंगर का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिंसा पीड़ितों के लिए भोजन को परोसते और प्यार से खिलाते ये संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। लंगर में प्रसाद वितरण देख सांसद मनोज तिवारी से रहा नहीं गया और खुद हाथों से चमचा लेकर दाल परोसने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दाल परोसते सांसद मनोज तिवारी कितने भावुक नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि संत निरंकारी की तरफ से हिंसा पीड़ितों के लिए लंगर की व्यवस्था की जा रही है, वह सराहनीय कार्य है। देखिए, हिंसा जिस स्तर पे हुई है और जिस योजना के साथ हुई है, जिस प्लानिंग के साथ हुई है, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। अभी आपने देखा है लगभग 48 इसमें हिंसा में 48 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अभी एक सूचना और बढ़ी है और इसके लिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर जा कर के सारी चीज़ों को समझना होगा। मैं अभी गोकुलपुर भी गया था, गोकुलपुर गांव में भी एक इंसानियत का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है लोगों ने। उस गांव में 5-6 घर मुस्लिम भाइयों के हैं, बाकी गांव के लोग हैं, लेकिन वो सभी लोग आज हमसे मिलने आए। जबकि मैं बैठा था, एक सोनू पहलवान है, उनके भाई को गोली लगी है, तो उनके घर पे बैठा था और सभी लोग मुस्लिम भाई बहन भी आए थे और बोले कि जी हम लोगों की तो रक्षा की है इन लोगों ने। तो ऐसी कहानियाँ भी हम इसमें ढूंढ रहे हैं, जो लोग जिनके कारण ये देश आगे बढ़ रहा है, सुरक्षित है। अभी मैं ब्रिजपुरी के सामने जो हमारे निरंकारी समाज के तरफ से एक लंगर चलाया जा रहा है, उसमें भी हम सब ने एक थोड़ा मिल करके हमने भी प्रार्थना की। वो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस अवसर पे विशेष रूप से यहाँ लंगर चल रहा है। और ऐसे और लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं सांसद होने के नाते क्षेत्र का ऐसे प्रार्थना करता हूँ सबसे। ये लंगर सेवा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से निरंकारी मिशन की तरफ से ये मानव मात्र की इस प्रकार सेवा की जा रही है। ना ये किसी जाति, ना मजहब, ना कोई राजनीतिक इसमें किसी का भी किसी तरह का इंटरफेयर है, ना ही हम इस चीज़ों में पढ़ते हैं। ये निरंकारी मिशन की तरफ से ही इस प्रकार ये लंगर प्रसाद किया जा रहा है और निरंकारी मिशन मानव मात्र के लिए वसुधैव कुटुंबकम एकत्व की भावना के साथ ये सेवा करता रहता है। और ये आज ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो, सफाई अभियान हो, वृक्षारोपण हो, ये अनेकों बार ये हमारी मुहिम चलती रहती है। मनोज जी, एक शांति सेवा का एक संदेश देने आए और यहाँ पे जो हिंसक वारदात हुई थी हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, लोगों का भाईचारे का एक मिसाल कायम करें और संदेश देने के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं। वो बनाए रखें, या उन्होंने हम भी गोकुलपुर मंडल में गए थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसाल हिंदू मुस्लिम भाईचारे की थी और उन्होंने देखा भी और महसूस भी किया कि देश में बहुत बढ़िया शांति का माहौल है और आगे भी रहेगा। हिंसा किसने की और क्योंकि यह सरकार की जांच का पहलू है, लेकिन इस हिंसा के शिकार पीड़ितों की मदद करना हम सबका फर्ज बनता है, जिसमें संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित लंगर इसकी एक मिसाल है। प्रिंस सोलंकी के साथ पूनम गर्ग, तेज निगाहें, दिल्ली।